हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। अभी मेरे घर के सारे काम हो चुके हैं। अभी मैं कर रही थी पेंटिंग, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि आज मैं कौन सी वाली पेंटिंग कर रही हूँ। पेंटिंग नहीं, मतलब कुछ दूसरा आर्ट बना रही हूँ, आर्ट वर्क बना रही हूँ। वैसे तो मेरा पूरा बन ही चुका है वो, बस मुझे उसमें लास्ट स्टेप जो है वही करना है, तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो जिसकी मैं बात कर रही थी वो है ये वाला आर्ट। वैसे तो ये अभी भी सुंदर लग रहा है, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसको हमने कंप्लीट लुक देना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसके साथ अब क्या करने वाली हूँ। थोड़ा मैंने सीमेंट ले लिया, थोड़ा सा फेविकॉल और थोड़ा सा पानी। अब कर लेंगे हमें इसको मिक्स। सीमेंट उड़ के पूरा नाक में जा रहा है। कलर डालना तो मैं भूलने ही वाली थी, वो मुझे अचानक से याद आ गया। अच्छा हो गया, नहीं तो मैं कलर तो भूल ही जाती। तो ये मेरा पेस्ट बिल्कुल बनके हो गया है तैयार। अब मैं आपको दिखाती हूँ जादू। तो गाइस, आजकल मैं बस यही कर रही हूँ, एक बार कोई चीज बनाओ अच्छी सी और उसके बाद उसको बिगाड़ दो। तो इस आर्ट को बोलते हैं मोजाइक आर्ट, जिसमें पहले ऐसे मिरर वाला कुछ आर्टवर्क डिजाइन बना लेते हैं, उसके बाद ऊपर से पुट्टी या सीमेंट से ऐसे कवर कर लेते हैं इसको। अभी इसमें मिरर थोड़े गंदे हो रहे हैं, जब ये सूख जाएगा इसके मिरर को अच्छे से मैं क्लीन करूंगी, उसके बाद आपको दिखाऊंगी ये कितना प्यारा बना है। तो बस आजकल मैं इन्हीं सब चीजों में लगी हूँ। अभी मैंने ऐसे बहुत सारे पीसेस बना लिए हैं, आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी उनकी पिक्चर्स, क्योंकि हर चीज वीडियो में तो ला नहीं सकती, इसलिए आपके साथ फोटो वगैरह सब कुछ शेयर करूंगी। तो अभी इसको मैं सूखने के लिए रख देती हूँ और तब तक अपने हैंड वॉश कर लेती हूँ। और ये तो मेरा एक्स्ट्रा बन गया। अब इसके लिए तो ऐसे वाले दो आर्ट वर्क्स होने चाहिए थे मेरे पास, अभी तो है नहीं। अब देखती हूँ इसका क्या किया जाए, इसका भी कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये भी सूख जाएगा और ये इतना पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो मोजाइक आर्ट को तो मैंने रख दिया है सूखने के लिए, वो एक दो दिन में बनके तैयार हो जाएगा, लेकिन मेरे पास इतना एक्स्ट्रा बच गया है। मैंने सोचा नहीं था ऐसा कुछ होगा, लेकिन अब इसका भी मैंने जुगाड़ सोच लिया है। मेरे पास है दो ये बॉटल्स, अब आप लोग समझ तो गए होंगे मैं इनसे क्या करने वाली हूँ। चलो थोड़ा इशारा दे देती हूँ, ये देखो सामने, ठीक है? जो लोग समझ गए अच्छी बात है, जो नहीं समझे वो थोड़ी देर में समझ जाएंगे। अभी मैं इनका करती हूँ काम। 2 hours later. आज तो मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ सच में, मतलब मैं जो आपको दिखा रही थी एक तो वो किया, और उसके बाद बाकी जो मेरे पुराने कटिंग और कलर वलर करके रखे थे मैंने, वो भी उस दिन से किए नहीं थे, तो वो भी सब आज ही किए मैंने। तो अब हालत खराब हो गई है और 7 बजे अभी तक मेरा खाना भी नहीं बना है, ना मैं बाहर घूमी हूँ। तो अब मैं सोच रही हूँ खाना बना लूँ पहले, क्योंकि बाहर तो फिर मैं आज अनुराग के साथ ही हम लोग कहीं चले जाएंगे, थोड़ी देर वॉक करके आ जाएंगे। तो अभी मैं पहले जल्दी से खाना बना लेती हूँ और दिखाती हूँ मैंने अभी तक क्या क्या बनाया। सारा बिखर गया, ये वाला रूम भी, दूसरा वाला रूम भी। अभी मैं बना रही थी ये सब, और दो यहाँ पे रखे हैं, और जो ये सीमेंट रह गया था मेरे पास एक्स्ट्रा, उसको मैंने ऐसे करके रख दिया है। अब तो आप अच्छे से समझ ही गए होंगे इसका मैं क्या बना रही हूँ। इसके मैं छोटे छोटे पॉट जैसे बना रही हूँ, अगर बन जाए तो बन जाएंगे तो अच्छा है। तो इनको भी अच्छे से मुझे 2-3 दिन सूखने देना पड़ेगा, उसी के बाद ये अच्छे से निकल पाएंगे। तो अब जल्दी जल्दी बनाती हूँ खाना, फिर ये समेटते रहूंगी हर बात में। तो उस टाइम पे मेरा खाना बन गया था, अनुराग के आने से पहले मैंने बना लिया था खाना, है ना? सब्जी बन रही थी, हाँ सब्जी बन रही थी, फिर अनुराग को हो गई, अरे रुको 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 मैं बनाऊंगा, आपसे अच्छी बनाऊंगा ऐसे ऐसे, लेकिन
फिर भी मैंने बना लिया था जल्दी से। अभी हम लोगों ने खाना खा लिया है, अब हम जा रहे हैं थोड़ी देर टहलने के लिए। वहाँ जाने से पहले एक बार, आपने जो अपना दूसरा क्रिएटिव चैनल है आपका जिसमें आप क्राफ्ट एंड आर्ट डालते हो, उसमें आपने जो वीडियो अपलोड की है उसके बारे में तो बता दो। हाँ, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको तो पता होगा मेरा एक आर्ट वाला चैनल भी है, और जो आजकल नए ऐड हुए हैं उन लोगों को भी मैं बता देती हूँ कि मेरा एक क्रिएटिव गर्ल नेम से एक यूट्यूब में दूसरा चैनल है जिसमें मैं वीडियोस अपलोड करते रहती हूँ, जो भी सब चीजें बनाते रहती हूँ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, और बाकी भी जो भी मैं सारी चीजें बना रही हूँ ना, ये सारी चीजें उसमें भी आती रहेंगी। और भी बहुत सारी चीजें मैंने डाली है, जो गणेश जी वाला था, गणेश चतुर्थी में, जन्माष्टमी के टाइम पे, ये सब डाला है। तो ये सब आप उस चैनल में जाके देख सकते हैं, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। इसके बाद हम लोग घूमने के लिए निकल गए थे, और घूमते घूमते हम कहाँ पहुँच गए थे भी आगे देखना आप लोग वीडियो में। और ये देखो गाइस, इतना बड़ा सा लॉलीपॉप मैं तो पहली बार ही देखा। गाइस हम लोग टहल के भी आ गए हैं, और हमको आज रास्ते में कोई मिल गया था और उन्होंने हमें गिफ्ट दिया। दिखाती हूँ ये देखो गाइस, एक टॉप ये, एक टॉप ये। उनने बोला क्या तू एक फटे फटे कपड़ों में घूम रही है, इससे अच्छा नए कपड़े ले ले। ऐसा नहीं हुआ, हम लोग गए थे ऐसे ही वॉक के लिए, तो मैंने बोला अनुराग से वीमार्ट चलते हैं। तो अनुराग का पहली मन तो हो नहीं रहा था जाने का, अनुराग ने मुझसे ये भी कहा क्या करेंगे वहां जाके, खाली देख के आ जाएंगे। मैंने कहा हाँ हाँ देख के आएंगे, तो ना कुछ लेना थोड़े न। लेकिन वहां जाके मुझे ये पसंद आ गया तो मैंने ये ले लिया। ये और ये तो सेम वैसा ही है, ऐसा मेरे पास एक टॉप है भी, पिंक कलर का है, पर ये मुझे अच्छा लग रहा था। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अब से हम लोग रोज ऐसे ही घूमने के लिए जाते रहेंगे, कहीं ना कहीं ऐसे ही मुझे नए नए कपड़े मिलते रहेंगे। और अनुराग को आ रही है नींद, तो अभी हम इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।